उष्णता, कर्म, संयम, पुष्टि, उद्यम और विजय ये छह ऋतु हैं। ये छह ऋतु इस पंच भोजनी अज का रूप है। जो इसका स्वरूप जानता है और इसका समर्पण करता है वह शत्रु को परास्त करता है और अपने आत्मा की शक्ति बढ़ाता है, अर्थात आत्मिक बल से युक्त होता है। इस अज को और इसके पांच भोगों को परिपक्व बनाओ। सब दिशाएं और उपदिशाएं इसको अपनाएं, अर्थात यह सब दिशाओं को बने। ये सब आत्मा की रक्षा करें और आत्मा से तेरी उन्नति हो। इस उद्देश्य से इस घी की आहुति मैं देता हूँ। यह एक समर्पण का उदाहरण है। पंचोदन अज। इस सूक्त में पंचोदन अज को स्वर्ग धाम कैसे प्राप्त होता है इसका वर्णन है। सबसे पहले यह पंचोदन अज कौन है इस बात का परिचय करना चाहिए। पंचोदन अज का अर्थ पांच प्रकार के भोजनों वाले अज है, अर्थात पांच प्रकार के अन्न का भोग करने वाला यह अज है। अजन्मा। अज शब्द के अर्थ अजन्मा, सदा से रहने वाला सर्वशक्तिमान परमात्मा, जीव, आत्मा, चालक, बकरा, धान्य ये होते हैं। इनमें से यहाँ किसका ग्रहण करना चाहिए यह एक विचारणीय बात है। अज शब्द से यहाँ परमात्मा का ग्रहण करना अयोग्य है, क्योंकि वह स्वभाव से परम उच्च लोकों में सदा विराजमान ही है। उसको उच्च लोकों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ इस सूक्त में जिस अज का वर्णन है उसके विषय में निम्नलिखित मंत्र देखिए। यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त करे, अंधकार दूर करके तृतीय स्वर्ग धाम को प्राप्त होवे, परिपक्व होकर पुण्यवानों के लोक को जावे, तृतीय स्वर्ग धाम में आश्रय करे। ये मंत्र भाग ऐसे आत्मा को स्वर्ग धाम प्राप्त करने के सूचक हैं कि जिनको पहले स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, जो उत्तम लोक में नहीं पहुंचा है, जो अधम लोक में है। अर्थात यहाँ का अज शब्द परमात्मा का वाचक नहीं, अपितु ऐसे आत्मा का वाचक है जो उत्तम लोक को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अज शब्द से दूसरे अर्थ धान्य और बकरा ये हैं। इनमें धान्य का स्वर्ग धाम को प्राप्त होना असंभव है और बकरा स्वर्ग धाम को जा सकता है या नहीं इस विषय में शंका ही है, क्योंकि स्वर्ग तो सत्कर्म करने वालों का लोक है। जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं वे ही अपने किए सत्कर्मों के बल से स्वर्ग धाम को जा सकते हैं। अतः धान्य और बकरा स्वयं सत्कर्म करने में ना समर्थ हैं और ना होने के कारण सुकृत लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। यहाँ कई लोग कहेंगे कि जो बकरा यज्ञ में समर्पित किया जाता है वह समर्पित होने के कारण स्वर्ग का भागी हो सकता है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि जो स्वयं स्वेच्छा से दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होता है, जो परोपकार के लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं, वे स्वर्ग धाम प्राप्त करने के अधिकारी माने जा सकते हैं। जो लोग बकरे को पकड़ते हैं और उसके मांस का हवन करते हैं वे बकरे की इच्छा का विचार ही नहीं करते। यदि इस प्रकार की जबरदस्ती से स्वर्ग धाम की प्राप्ति होने का संभव होगा तो जो गौवें और बकरियां व्याघ्र के जीवन के लिए समर्पित हो जाती हैं वे सब उस स्वर्ग को पहुंचेंगी। इतना ही नहीं, परंतु अज संज्ञक धान्य यज्ञादि के आहुति द्वारा समर्पित होने पर सीधा स्वर्ग को जाएगा, समिधाएं और घी भी वहां पहुंचेगा। यह तो अव्यवस्था है। व्याघ्र ने गौ को मारा और खाया तो इसमें गाय का आत्मसमर्पण नहीं है। क्रूर राजा प्रजा को लूटकर प्रजा का धन संपत्ति इकट्ठी करके ले जाता है, यहाँ भी उस पद ललित प्रजा के परोपकार दान या सर्वस्व का मेघ करने का पुण्य नहीं मिल सकता। फल तब मिलेगा कि जब आत्म सर्वस्व का समर्पण स्वेच्छा से किया गया हो। पूर्वोक्त अज के अर्थों में धान्य, बकरा ये आत्मसमर्पण की बात जान ही नहीं सकते, इसीलिए आत्मसमर्पण कर नहीं सकते और ये स्वर्ग धाम को प्राप्त नहीं हो सकते। परमात्मा उत्तम लोक में सदा उपस्थित होने से उसको कर्म विशेष से आत्मसमर्पण के द्वारा वह लोक प्राप्त होना है, ऐसी बात नहीं है।
अतः शेष रहा जीवात्मा, यही अर्थ यहाँ अपेक्षित है। यह सुकृत करता हुआ स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है और इसी कार्य के लिए संपूर्ण धर्मशास्त्र रचे गए हैं। इस सूक्त के अज शब्द का प्रसिद्ध अर्थ बकरा लेकर कईयों ने बकरे को काटना, पकाना, उसके अंश सबको देना और उसको स्वर्ग को भेजना, ऐसे अर्थ किए हैं। वे उक्त कारण युक्ति युक्त नहीं है। अस्तु, इस प्रकार यहाँ इस सूक्त में अज शब्द का अर्थ जीव आत्मा किंवा जीवात्मा है। अब देखना है कि इसको पंचोदन क्यों कहा है। यह पांच प्रकार का अन्न खाता है, इसीलिए इसको पंच भोजनी अज कहा है। इसके पांच भोजन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय इनके पांच भोजन हैं। वे परस्पर भिन्न हैं और ये इसके उपयोग के विषय हैं। इस विषय में कहा गया है कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, उनमें से एक इस वृक्ष का मीठा फल खाता है और दूसरा ना खाता हुआ केवल प्रकाशता है। इस वृक्ष को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच भोग रूपी फल लगते हैं। इनका भोग यह अजन्मा आत्मा करता है। इसके पंच ज्ञानेंद्रियों से ये पांच फल इसके पास पहुंचते हैं। मनुष्य ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, बद्ध हो या मुक्त हो, जब तक वह आत्मा शरीर में रहेगा तब तक इसके पास ये पांच प्रकार के भोग प्राप्त होते रहेंगे। बद्ध स्थिति में रहने वाला आत्मा आसक्ति से विषय सेवन करेगा और जीवन मुक्त स्थिति में रहा आत्मा आसक्ति छोड़कर उदासीनता से दर्शन करेगा। दोनों के कानों से शब्द, त्वचा से स्पर्श, नेत्र से रूप, जिह्वा से रस और नाक से गंध प्राप्त होगा। ये पांच भोजन इनके पास आवेंगे, कोई भोग करेगा और कोई नहीं, यह बात दूसरी है। पंचोदन अज का अर्थ है कि और एक जीवात्मा के विषय में अनुभव में आ सकता है। इस अज के स्वरूपक का निश्चय स्वयं इस सूक्त ने किया है, वह अब देखिए। अग्नि का नाम अज है, ज्योति का नाम अज है। यह अज अंधकार को दूर करता है। अग्नि से अग्नि उत्पन्न हुआ है, अग्नि के तज से अज उत्पन्न हुआ है। ज्ञानी की महिमा से ज्ञानी विद्वान जन्मा है। यह पंचोदन अज अपरिमित यज्ञ है। ये समंत्र भाग यहाँ अज शब्द से जीवात्मा का भाव है ऐसा स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा, ज्योति, अग्नि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द जीवात्मा के लिए वैदिक अज में आते हैं, वाक्य में आते हैं। यही प्रति शब्द अज शब्द का अर्थ बताने के लिए वेद ने स्वयं दिए हैं और अज शब्द के अर्थ के विषय में संदेह निवृत्ति की है। इतना कहने पर भी यहाँ के अज शब्द का अर्थ बकरा है ऐसा जो जानते हैं मानते हैं, सबकी विचार शक्ति के विषय में क्या कहा जाए, यही हमारी समझ में नहीं आता। यहाँ उक्त वचनों में कहा है कि इस सूक्त में जिस अज का वर्णन है वह अग्नि के समान तेजस्वी, ज्योति के समान प्रकाशय, दीप के समान अंधकार को दूर करने वाला है। परमात्मा रूप महान अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होने से उसकी ज्वालाओं से स्फुलिंग चारों ओर उड़ते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा की दीप्ति से जो सफुरते लिंग चारों ओर फैले हैं वे ही अनंत जीवात्मा हैं। परमात्मा चेतन स्वरूप है, उससे यह चेतन स्वरूप जीव आत्मा प्रकट हुआ है। यही यज्ञ स्वरूप है, इस प्रकार का वर्णन उक्त मंत्र भागों में है। यह देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अज शब्द से जीव आत्मा का ग्रहण करना योग्य है। बकरा ऐसा अर्थ यहाँ के अज शब्द का लेने से क्या बनता है और इन मंत्रों की संगति भी कैसे लग सकती है? क्या बकरा अग्नि है और ज्योति है? क्या कभी बकरे के द्वारा अंधकार दूर हुआ है? क्या कभी अग्नि के प्रकाश से बकरा प्रकट हुआ है? अर्थात अज शब्द का अर्थ बकरा करने पर पूर्वोक्त मंत्रों का कोई सरल अर्थ नहीं लग सकती। अतः अज शब्द से यहाँ जीव आत्मा अर्थ लेना चाहिए, यह बात सिद्ध हो गई। अब इसकी उच्च गति होने के विषय में इस सूक्त में क्या कहा है देखिए। यह अज
अनात्मा अजन्मा आत्मा जगत के प्रारंभ से प्राकर्म कर रहा है। यह अजन्मा आत्मा परिपक्व होने पर अवनति को दूर करके स्वर्ग में अपने आप को धारण करता है। अज और पांचों अन्नों को परिपक्व करो। इस जगत में जो कुछ भी पराकर्म हुए हैं वे इस आत्मा के कारण ही हुए हैं।